हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी छात्रों का काउंसलिंग लिस्ट आने का समय आ चुका है। बहुत जल्द काउंसलिंग लिस्ट आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन छात्रों के बीच से खबर आ रही है कि 2 गुना लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि अगर 1.1 गुना लिस्ट आती है तो अधिक छात्रों को मौका नहीं मिलेगा और लिस्ट आने के बाद छात्र एकता टूट जाएगी, तो आयोग बाद में अपनी मनमानी कर सकता है। तो आप सभी के पास 15 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी एकजुट रहिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ एक मांग पर आप सभी सहमति दें, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो 1.1 गुना पर सहमति दे रहे हैं, इससे अधिक छात्रों को मौका नहीं मिलेगा और आयोग अपनी माध्यम से सीटें भरने लगेगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक मांग पर आप सभी छात्र सहमति दें। यहाँ पे आप सभी को दिखाता हूँ कि कैसे छात्र अपनी अपनी मांगों को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म ने एक पोल कराया था, उसमें इन्होंने क्वेश्चन लिखा था, मैंने BCC काउंसलिंग में 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने की मांग की, जिससे कुछ अभ्यर्थियों को आपत्ति थी। क्या काउंसलिंग में 2.5 गुना की मांग होनी चाहिए या फिर 1.1 गुना ही सही है? इसके लेकर ऑप्शन भी डाले थे और टोटल 19 घंटे में 3000 वोट गिर चुके हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि 1.1 गुना के ऑप्शन में लगभग 20% ऐसे छात्र हैं जो इस बात पर सहमति दे रहे हैं कि सिर्फ 1.1 गुना ही छात्रों को बुलाया जाए। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि छात्रों में एकता नहीं है, एक मांग पर अपनी सहमति नहीं जता रहे हैं। इन लोगों को ये कहना चाहिए कि 2.5 गुना ही छात्रों को बुलाया जाए, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को मौका मिले, क्योंकि इसमें फर्जी छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत छात्र बाहर होंगे, और अगर काउंसलिंग में ज़्यादा छात्रों को नहीं बुलाया जाएगा तो छात्र एकता रहेगी नहीं और बाद में आयोग मनमानी कर सकती है और किसी दूसरे माध्यम से आयोग इस भर्ती को पूरा कर सकती है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात रिक्वेस्ट करता हूं कि एक मांग पर आप सभी सहमति दें। कुछ छात्र इसके लेकर सहमति भी जताए हैं और कमेंट भी अच्छे किए हैं, उनके कमेंट को देखें और आप भी इनके कमेंट पर सहमति जरूर जताएँ। एक छात्र है बलिराम कुमार, ये आयोग से कुछ अपनी मांगें रखना चाहते हैं और छात्रों से भी आग्रह करते हैं कि यही मांग आयोग से रखनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि काउंसलिंग में 2 गुना की मांग होनी चाहिए, आयोग द्वारा किया गया गलती का स्पष्टीकरण होना चाहिए। 216 वाले आयोग अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग प्रबल होनी चाहिए और बैकडोर से सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, वरना अंजाम समझ सकती है आयोग। और नियुक्ति पत्र 2021 में हर हाल में सभी अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए जो इसके लेकर योग्य हो। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो इस बात पर सहमति दे रहे हैं कि अधिक से अधिक छात्रों को काउंसलिंग में बुलाया जाए, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को मौका मिले। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सभी छात्र एक सहमत रहें और अधिक से अधिक छात्रों को काउंसलिंग में बुलाया जाए, इसके लेकर इस मांग को उठाते रहें। और इस मुद्दे को लेकर आप सभी को क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।